हाय फ्रेंड्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो आई है, वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, वो आप सारी वीडियो देख लेना, क्योंकि उसके साथ ही आपको ये वीडियो समझ आनी है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रही है। इससे पहले 3 मेथड में वीडियो नंबर 4 में बना चुका हूँ, तो ये 5th वीडियो है जिसमें 4th मेथड को मैं समझा रहा हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की। ठीक है, इस मेथड का नाम है टोटल रेवेन्यू मेथड, दूसरा नाम है इसका टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू यूनिटी, टोटल आउटले, सेलर टोटल, रेवेन्यू मेथड, और इसको दिया किसने था, अल्फ्रेड मार्शल ने। अभी इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास में तो जरूरत नहीं है, 12th क्लास का अगर बच्चा मेरे को देख रहा है तो वो तो जस्ट मेथड का नाम याद रखे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पेशल चैनल मेरा यूजीसी नेट के लिए है, उनके लिए बता रहा हूँ, उनको ये मेथड्स के नाम याद रखे, क्योंकि ऑप्शंस में आपको कई बार याद आता है कि टोटल रेवेन्यू का नेक्स्ट नाम कौन सा होगा, या इसका नाम कौन सा था, वगैरह वगैरह। अब ये टोटल रेवेन्यू है क्या? टोटल रेवेन्यू है सिंपल इतना ही है कि किसी भी चीज के प्राइस को, जितनी चीज को आप खरीद रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो टोटल रेवेन्यू। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो प्राइस और क्वांटिटी, मान लो किसी चीज का रेट है 5 रुपए, आप क्वांटिटी खरीदते हो 10 एग्जांपल पे, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 50। यही फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि हमने इलास्टिसिटी सीखी थी, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 और इनफिनिट के इक्वल, तो उनमें से सिर्फ ये 3 यहां काम आती है, और यूजीसी नेट में इन तीनों से क्वेश्चन पूछा भी गया 2017 में भी और शायद 18 में भी पूछा गया है। तो करना क्या, आपको ये समझना है, ये है क्या बेसिकली, आपको ना प्राइस और टोटल ये टोटल रेवेन्यू का जो रिलेशन है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जब मोर इलास्टिक होगी, मतलब मोर इलास्टिक की कंडीशन में, जब ग्रेटर देन 1 होगी, उस कंडीशन में पी और टीआर का क्या रिलेशन है, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या रिलेशन है, तो आपको ये समझना है। सबसे पहले इस चार्ट पे आते हैं, इसको देखते हैं ग्राफ में क्या बनाया उन्होंने। देखिए प्राइस क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, पहले 2 रुपए था, अब किसी भी चीज का रेट 1 रुपया हो गया है, उसकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी, आपको पता है डिमांड में से किसी का चीज प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस कंडीशन में मोर इलास्टिक है, जब उसका ऐसा हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। अब हमें देखना है इसका और इसका रिलेशन। देखो प्राइस के घटने से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, प्राइस घटा, टोटल रेवेन्यू पहले कितना था 8, अब कितना हो गया 10, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, रिलेशन क्लियर हुआ। अब मैंने वाइस वर्सा भी बता दिया है, अगर ऐसा होगा इस कंडीशन में, देख लो अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो टोटल रेवेन्यू घटेगा। आपको बस ये याद रखना है कि इन दोनों का जो रिलेशन है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब मोर इलास्टिक होगा, वहां पे पी और टी आर का रिलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में ये आएगा। ठीक है, ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं जहां पे यूनिटरी इलास्टिक। अब इसमें क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1 है, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, जहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, वो भी इसी में होता है, यूनिटरी इक्वल टू 1 है। ठीक है, दोनों सेम बढ़ेंगे, जितना प्राइस उतनी क्वांटिटी डिमांड, इक्वल होंगे। अब यहां देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो घट रहा है, मतलब सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस घट रहा है किसी भी चीज का, क्वांटिटी बढ़ेगी, आपको पता जो हमने सीखा है, तो बढ़ने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है इक्वल टू 1 की। यहां पर प्राइस बढ़े चाहे घटे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, टोटल रेवेन्यू विल बी द सेम। तो कहने का मतलब टोटल रेवेन्यू यहां पे प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है, आपको ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये 3 ही चीजें याद रखनी है, नेक्स्ट 2 होगी, तीसरी सुन लो। अब तीसरी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1। अब लेस देन 1 में क्या है, यहां पे आपको क्या याद रखना है कि लेस देन 1 में देखो प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, वही सेम कंडीशन, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन यहां पे टोटल रेवेन्यू भी घटेगा, हम ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब प्राइस के घटने से, प्राइस घट रहा है, टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, देख रहे हो, प्राइस कम हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, और वाइस वर्सा ले लो, प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जब ऐसी कंडीशन है दोनों नीचे को मुड़ रहे हैं या दोनों ऊपर को जा रहे हैं, तो आपको पता है जब एक ही साइड चले, हमने एक्सेप्शन केस में भी सीखा था, ये तो इनवर्स हो गया ना, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है जब एक ऊपर को जाए और एक नीचे को आए, मतलब अगर प्राइस ऊपर जाना तो क्वांटिटी डिमांड नीचे को आएगी, और इसी का उल्टा। लेकिन यहां देखो क्या हो रहा है, दोनों ऊपर है या दोनों नीचे है, और जब ऐसा कंडीशन हो तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव होता नहीं है। तो आपको याद रखना है इस कंडीशन में पी और टोटल रेवेन्यू का वो है पॉजिटिव रिलेशन, और एक चीज याद रखना कि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफी आ चुका है। सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या, पहले ये समझ लो, सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होते हैं जैसे हम एक को छोड़ के दूसरा यूज कर लो, या तो ये मिल जाए या तो वो मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टी और कॉफी एग्जाम्पल लिया जिससे आपको मैं समझा सकूं, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर एज दे प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब चाय और कॉफी दोनों हमें एक ही लेवल की सेटिस्फेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए,
हमें कंपेयर करना है बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि नेगेटिव रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन आएगा पूरी यूजीसी में। अब देखो अगर प्राइस टी का बढ़ जाएगा, चाय महंगी होगी, कॉफी का प्राइस सेम रहा, तो क्या आप जब चाय का रेट बढ़ गया तो आप कॉफी पीना नहीं स्टार्ट कर दोगे? सेम लेवल उसी प्राइस पे कॉफी मिल रही है तो इसकी डिमांड क्या होगी? जब इसका रेट बढ़ रहा है, प्राइस का रेट बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर कॉफी भी बढ़ रही है। समझ आया? कहने का मतलब देखो प्राइस टी का बढ़ा, कॉफी का नहीं बढ़ा, लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ा तो लोगों ने चाय पीना छोड़ दी, डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफी की। अब डिमांड कॉफी की बढ़ गई, इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड तो घटेगी ना, डिमांड फॉर चाय। अब देखो हमें क्या रिलेशन देखना था भाई, इन दोनों का रिलेशन क्या है? जब प्राइस टी का बढ़ रहा था तो डिमांड कॉफी की क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। दोनों साइड ऑप्शन ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन कौन सा है? पॉजिटिव। आपको ये याद रखना है कि जब भी प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, डिमांड ऑफ कॉफी भी इंक्रीज होगी, ठीक है? पॉजिटिव रिलेशन। अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। बेसिकली ये वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज हो सकते हैं। आप ना तो अकेली कार यूज कर सकते हो, ना तो पेट्रोल, ऐसे काफी गुड्स हैं। एग्जांपल मैं इसी समझाया था आपको, देखो मान लो कार का रेट आज गिर जाता है, ये मैंने लिखा प्राइस ऑफ कार डिमांड फॉर कार, प्राइस ऑफ पेट्रोल डिमांड फॉर पेट्रोल। प्राइस गिर गया भाई कार का, मतलब जो गाड़ी आज मिल रही थी उससे भी सस्ती मिलने लगी। पेट्रोल का नहीं गिरा, पेट्रोल सेम रेट पे जितने भी मिल रहा है उतने मिल रहा है। अगर पेट्रोल का प्राइस घट जाएगा तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? अच्छा यहां क्या होगा आप बता सकते हो? अगर कार का प्राइस घट रहा है तो डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ेगी। कार सस्ती हो रही है तो लोग ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे, आप तो जब ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा। अब डिमांड बढ़ेगी पेट्रोल की, जो डिमांड फॉर कार है उसका क्या होता हो? जब प्राइस कार का गिर रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। समझ आया? मैं फिर से समझाता हूं, प्राइस कार का गिरा, जब गाड़ी सस्ती हुई तो डिमांड किसकी बढ़ गई? पेट्रोल की। वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी सस्ती हो रही है तो मार्केट में गाड़ी ज्यादा उतरेंगी, ज्यादा उतरेंगी तो उनकी डिमांड भी पेट्रोल की ज्यादा होगी, इसलिए ये बढ़ गया। लेकिन ये जो है डिमांड फॉर कार ये भी बढ़ेगी, ठीक है? तो हमें रिलेशन फिर यही देखना है। अब यहां देखो प्राइस ऑफ कार अगर जब घट रही थी तो डिमांड फॉर पेट्रोल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो हमारा ये डिमांड में हमने सीखा कि नेगेटिव रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है गुड्स का, और सब्स्टिट्यूट गुड में हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। बस यही दो टॉपिक, यही दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। जो एमसीक्यू आएंगे वो इस पे आएंगे, आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको स्ट्रिक्ट टू सिलेबस होना। आपको ये पूछा जाएगा सीधे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है, कि पॉजिटिव की नेगेटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा रिलेशन होता है पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है? आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करना। अभी तक की मैंने पांचवी वीडियो ही, इससे पहले मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूं, उनको पक्का देखो। डिमांड चैप्टर आज पूरा खत्म हो गया, जो यूजीसी नेट की डिमांड है, इससे ज्यादा नहीं आता। एमसीक्यू की मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जो क्वेश्चंस आज तक आए हैं हॉट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे डाल के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? थैंक यू गाइस।